हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आज मैं जो लेके आई हूँ मिठाई, हैप्पी न्यू ईयर पे तो लाई हूँ खुशी में। और ये जो रेसिपी है ना, ये मिठाई है रसगुल्ला, जो सूखा वाला रसगुल्ला है यानी चमचम, उसको बनाएंगे। और बिल्कुल आप एक बार मेरा वीडियो देख लोगे ना तो बिल्कुल स्पॉन्जी और बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल एक बार भी आप फेल नहीं होगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई लिया है, उसमें ले लेंगे 3 कप दूध। तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, गाय या भैंस का, लेकिन मैंने पैकेट वाला दूध लिया है। तो पैकेट वाला कौन सा दूध है, जो कि टोंड मिल्क है, मेरे पास वही था, इसलिए मैं उसी से बना रही हूँ। टोंड मिल्क जिसमें थोड़ा सा मलाई निकला हुआ ही रहता है। और उसको गर्म करेंगे, तो थोड़ा सा मैं चला लेती हूँ। और इसको कितना गर्म करना है, बस एक उबाल आ जाए तब तक इसको गर्म करना है। एक उबाल आ जाए उसके बाद उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक उबाल आ चुका है। अब इसको क्या करें, गैस मैंने बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ, ताकि हल्का सा चलाने से ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही ठंडा कितना होगा, तब तक क्या करती हूँ, ठंडा हो रहा है तब तक एक गिलास ले लिया यानी कप लिया, उसमें 2 टेबल स्पून के बराबर पानी लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। उसमें 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है। विनेगर आपके पास नहीं है तो 2 स्पून बड़े चम्मच से आप ले लीजिए नींबू का जूस। अगर आपके पास विनेगर है तो विनेगर डालिए, नहीं तो नींबू का जूस डालिए। पानी में डाल करके ही डालिएगा, इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा पनीर। नहीं तो एक बैग डालेंगे ना तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। अब देखिए ठंडा हो चुका है। ठंडा कितना, जो कि आप फिंगर डालोगे ना तो थोड़ा हल्का गर्म पता चलेगा, लुक बार्म से थोड़ा सा ज़्यादा। अब उस समय इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको पानी को, जो विनेगर वाला पानी है उसको डालते जाएंगे, या नींबू अगर आपके पास है नींबू का जूस तो उसको नींबू का जूस पानी के साथ मिला करके डालिए। और इसको हल्के हाथों से चलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, एक ही बार में मत डालिएगा। और डायरेक्ट विनेगर या नींबू का जूस मत डालिएगा, पानी के साथ डालेंगे अच्छे से फटेगा, और नहीं तो आपका पनीर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने दे दिया है और इस तरह से चलाते जाएंगे हल्के हाथों से, मतलब धीरे धीरे चलाएंगे। तो देखिए इस तरह से पानी देखिए अलग हो चुका है और पनीर अलग हो चुका है, और ग्रीन ग्रीन पानी लग रहा है ना, तो ये इस तरह का हो जाए तो समझिए कि अच्छे से फट गया है। और मैं दिखाऊंगी कि अगर अच्छा सा पनीर आपको रसगुल्ला या ये रसमलाई के लिए बनाना है तो कैसा होना चाहिए। तो देखिए एक बर्तन में कपड़ा डाल दिया है, आप मैंने तो गलती किया कि यहाँ पे कपड़ा डाला, छन्नी नहीं डाला, तो छन्नी आप डाल करके कपड़ा डालिए ताकि नीचे गिरे नहीं। ऐसे मेरा पनीर नहीं गिरा है, केवल पानी गिरा है, कपड़ा गिरा है। तो इसको मैं उठा लेती हूँ। और इसको पानी कितना गिराना है, तो पहले तो उठा करके थोड़ा सा मैंने पानी गिरा लिया है, उसके बाद छन्नी पर रख लिया, और उसको 1-2 पानी से धो लेंगे ताकि विनेगर का जो ये खुशबू है और उसका टेस्ट, मतलब विनेगर जो उसमें है थोड़ा बहुत, उसको निकल जाए। और 1-2 पानी से इस तरह से धो लीजिए, उससे क्या होगा, विनेगर या नींबू से फाड़ रहे हो तो नींबू का जूस है तो उसको वो भी धुल जाएगा। तो देखिए ये धुल चुका है। अब इसको पानी को निचोड़ लेना है, कितना, जब तक ये देखिएगा ना लगातार धार में गिर रहा है तब तक तो इसको निकालना है, लेकिन बूंद बूंद का गिरने लगे तब समझिए कि ये परफेक्ट है, यानी हल्का सा पानी होना चाहिए इसमें। अब दिखाती हूँ मैं कि कैसे समझेंगे कि पनीर अच्छा सा बना है। तो देखिए इसमें कपड़े में चिपका हुआ नहीं है, बगल में चिपका हुआ है वो, क्योंकि मैंने इकट्ठा नहीं किया था उसको, वो उसमें था ही, लेकिन जब पनीर का जो गोला था वहाँ पे बिल्कुल चिपका नहीं, इसलिए इसका मतलब वो पनीर बहुत अच्छा बना है। अब मैं इसको तौल करके दिखा देती हूँ कितना बना था। 3 कप में तो 100 ग्राम बना है, देखिए 102 है ना, तो यानी 2 ग्राम तो इधर उधर है, तो 100 ग्राम बन चुका है। आप 100 ग्राम पनीर से मैं बना रही हूँ रसगुल्ला का। तो देखिए इस तरह से हाथ से मसलते जाइए, आप हथेली से थोड़ा सा हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर से नहीं मसलिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, अंदर से घी फेंक देगा और मतलब छूट छूट जाएगा और उतना अच्छा बनेगा नहीं। तो हल्के हाथों से इसको रगड़िए ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने मसल लिया, आप क्या करेंगे, ये फटे नहीं और बिल्कुल ज्वाइंट रहे। और उसमें क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, बहुत सा के पास नहीं रहता, तो 1 छोटे स्पून से मैदा डाल दीजिए और डाल करके मिला लीजिए अच्छे से, उससे क्या होगा ना, फटेगा नहीं और घुलेगा नहीं। और 2 पिंच डाला है बेकिंग पाउडर, और इसको डाल करके हल्के हाथों से मिला लीजिए। अब मिला करके बिल्कुल इसको स्मूथ मिला लेना है, स्मूथ तो कर ही लिया है, और देखिए मिला लिया है। अब इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे गोली बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मिल चुका है ना, अब इसको ले करके जैसे छोटे छोटे बनाना है तो छोटा छोटा बनाइए, अगर थोड़ा बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं आज छोटे छोटे बना रही हूँ और छोटे छोटे रसगुल्ला, ताकि जल्दी मेरा हो जाए, क्योंकि मैं जल्दी ही बना रही हूँ। और ये देखिए मैंने सारे बना लिया है, बिल्कुल स्मूथ बनाया है। अब क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ।
और जिसे बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं, या कोई भी और शेप में बनाना है तो उसको भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बर्तन रखा है, उसमें 2 कप चीनी लेंगे। तो जैसे जो स्पॉन्जी रसगुल्ला है उसमें आप क्या करते हैं, 1 कप चीनी डालते हैं, 4-5 कप पानी डालते हैं। इसमें क्या करना है, 2 कप चीनी डालना है, 1 कप पानी डालना है, और उसके बाद जब चीनी घुल जाए, इसको मिक्स करते जाइए और चीनी घुल जाए तब तक इसको उबालना है। और जैसे चीनी अगर इसमें गंदा है, बहुत सारे चीनी गंदा होता है, तो उसमें क्या करना है कि थोड़ा सा दूध डाल देना है, 2-3 चम्मच। उससे क्या होगा, जब उसका झाग आएगा ना तो सारा जो गंदगी है उसको निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं झाग आ रहा है, उसको झाग को निकाल लीजिए तो क्या होगा, चीनी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर साफ नहीं रहेगा, गंदा रहेगा चाशनी, तो जो रसगुल्ला बनाएंगे ना वो खराब हो जाएगा, कलर मतलब काले हो पड़ जाएंगे, पूरा गंदगी उसी में चला जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल गंदा है ये चीनी, जैसे बहुत बार क्या होता है ना, चीनी गंदा बहुत ज़्यादा होता है। मैं दिखा देती हूँ कि कितना गंदा निकला, देखिए है ना, बहुत ही गंदा निकला। तो सोचिए कितना गंदा जाता तो खाने में भी खराबी लाता और रसगुल्ला भी खराब हो जाता। तो यहाँ पे उबल चुका है चाशनी, अब इसमें डाल देंगे। एक डाल करके 5 मिनट के लिए उबाल लीजिए ताकि पता चल जाए कि फट रहा है या नहीं, या घुल रहा है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा बना है। अब इस तरह से आप सबको क्या कीजिए, थोड़ा सा आँच को तेज़ कर दीजिए और डालते जाइए, तेज़ आँच में ही डालिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, ठंडे पड़ जाएंगे तो रसगुल्ले खराब हो जाएंगे। और एक डालिए, थोड़ा रुकिए, ऐसे करके डालेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा। अब 5 मिनट तक खुला उबाल लीजिए और उसको बिल्कुल टच नहीं कीजिएगा। अब 5 मिनट के बाद इसको कवर करके पका सकते हैं। और जैसे पानी लग रहा है कम है तो गर्म पानी इसमें बगल से देते जाइए, उबालिएगा ना कुछ देर तो लगेगा कि पानी घट रहा है, तो आप ऐसे भी 2-3-4 चम्मच डालना ही डालना है, तो ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसको पकने में 20-25 मिनट लगेगा, तो ज़रूर डालिएगा। तो नहीं डालेंगे तो आपका रसगुल्ला ख़राब हो जाएगा। ये कौन सा रसगुल्ला बन रहा है, जो कि सूखा वाला रसगुल्ला, इसी से चमचम बना सकते हैं। ये सूखा रसगुल्ला मतलब अच्छा कई दिनों तक रख सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, जब से मतलब कुकिंग चैनल बनाई नहीं थी तब से मैं सोची थी कि सूखा रसगुल्ला मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं इस बार तो बना लिया है मैंने, और बहुत ही अच्छा बना है। मैं बिल्कुल 100% क्या 200% बोल रही हूँ कि अगर आप मेरा जो पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपका सूखा जो रसगुल्ला होता है ना वो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और बहुत ही अच्छा बनेगा, और स्पॉन्जी भी बनेगा और जालीदार भी बनेगा। तो देखिए मैं बीच बीच में इस तरह से पानी डालते जा रही हूँ और उसको तेज़ आँच कर देती हूँ ताकि बिल्कुल ठंडे नहीं पड़े, और गर्म पानी ही डालिएगा और थोड़ा सा उसको चम्मच से इस तरह से घुमा लीजिए, पहले स्टार्टिंग में नहीं घुमाइएगा। और देखिए मैं दिखा देती हूँ, मैंने निकाला है एक रसगुल्ला, तो देख सकते हैं ऊपर अभी है, आधा तो है नीचे लेकिन अभी आधा ऊपर है, इसका मतलब ये रसगुल्ला अभी कच्चा है। तो अभी इसको और उबालेंगे और मैं दिखाऊँगी कि कितना मतलब ये जो है रसगुल्ला कैसा बनेगा, तब समझिएगा ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट ये पक चुका है। तो मैं इसको एक अब थोड़ा सा, क्योंकि कुछ देर और उबल चुका है, अब इसको निकाल करके और दिखा देती हूँ। देखिए अभी भी थोड़ा सा बच रहा है ये मतलब अंदर जाना, यानी जब पूरा ये अंदर चला जाएगा तब समझिएगा कि ये अच्छे से पक चुका है। तो मैं अब निकाल क्योंकि कुछ देर के लिए ये उबल चुका है, तो मैं एक कटोरी में निकाल करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सच में ये मतलब डूबा है या नहीं। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये डूब चुका है, और तो इसको डाल देंगे। और डाल करके क्या कीजिए, डाल करके 1 चम्मच और पानी डाल दीजिए गरम, और उसके बाद 1 मिनट के लिए और उबाल लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसका गैस बंद कर देंगे, क्योंकि पानी डालेंगे ना तो इसको, मैं बताऊंगी पानी क्यों डालना है। तो देखिए यहाँ पे पानी डाल दिया, 1 मिनट तक और उबाल लिया है, और एक बार और मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से डूब चुका है, इसको ऊपर करना चाह रही हूँ तब भी ऊपर नहीं आ रहा, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, स्पष्ट देख रहे होंगे, बिल्कुल डूबा हुआ है। ये परफेक्ट ये रसगुल्ला का निशानी है, और जो चमचम बनाओगे ना इसी तरह से, क्योंकि ये चमचम का ये छोटे रसगुल्ला मैंने बनाया है। अब ये अच्छे से पक चुका है, अब इसका गैस बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसको अभी नहीं खाइएगा, बिल्कुल अभी नहीं हुआ होगा। अब इसको ढक करके इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो आप 1 घंटा क्या, मैं 3-4 घंटे के लिए छोड़ दी थी, मैं दूसरा काम में लग गई थी। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना, और बिल्कुल देख सकते हैं एक भी घुला नहीं है, मतलब एक भी टूटा नहीं है, और सारे जो रसगुल्ले हैं बहुत अच्छा बने हैं। अब इसको क्या करना है, क्योंकि अब इसको तो चाशनी में रखना नहीं है,
एक बोल लिया है और एक एक ले लिया छन्नी, और उसके बाद सारे रसगुल्ला को छन्नी पे रख देंगे और उसके बाद एक घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए ताकि सारा जो उसका जूस है ना निकल जाए, क्योंकि अंदर तो जूस रहेगा और जो ऊपर से चूते रहता है वो नहीं रहेगा। तो देखिए एक घंटे के बाद मैं प्लेट में रखी हूँ, बिल्कुल जूसी और बहुत ही स्पॉन्जी बना है, देखिए है ना जूसी। तो मैं इसको कट करके भी दिखाऊंगी कि कैसा ये बना है, और इसको आप कट करके देखेंगे ना तो दो चीज़ बताऊंगी, एक तो स्पॉन्जी दिखाऊंगी और जब कट करोगे तो बीच में आपको दिखाती हूँ, जिसे कट करके दिखाती हूँ तो उसके बाद बताती हूँ कि बीच में कैसा रहे, तो समझिए कि ये पका हुआ है या कच्चा है। देखिए बीच में अगर थोड़ा सा भी उजला जैसा दिखे तो समझिए कि ये रसगुल्ला कच्चा है, लेकिन ये देख सकते हैं बिल्कुल ही जूसी है, बहुत ही अच्छा है। और इसको मैं बिल्कुल ये नज़दीक से दिखा दूंगी कि ताकि पता चल जाए कि ये स्पॉन्जी बना है कि नहीं, जालीदार बना है कि नहीं। देखिए है ना जाली जाली बना हुआ है ना, कितना अच्छा ये रसगुल्ला बना है। आप बड़ा भी बना सकते हैं या छोटा भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ये सूखे रसगुल्ले बने हैं, बहुत स्पॉन्जी। और ये जो रसगुल्ला है ना, आप इसको बड़ा बना करके और इसको चमचम के रूप में जैसे कट करके मलाई डाल करके इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा छिड़क लिया है और ये आपको बहुत दिन तक इसको रख सकते हैं। आप न्यू ईयर पे बनाइए, आप कभी भी बना करके खाइए, और जिनको देंगे ना बहुत आप खुश होंगे और विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये घर का बना हुआ है। तो है ना बहुत अच्छा ये रसगुल्ला की रेसिपी। तो चलिए नया साल पे ये रसगुल्ला की रेसिपी ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।